आज यहां भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट के 10 जिलों के प्रमुख नेताओं के साथ लंबी मीटिंग्स चली है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह चुनाव की तैयारी में जुटी है। कुछ कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कुछ कार्यकर्ता चुनाव का प्रबंधन करेंगे। पार्टी ने यहां अपनी एक टोली को जिम्मेवारी भी दी है। यहां चुनाव का प्रथम चरण पूरी तरह से उसकी समीक्षा भी की गई। अगले चरण में कैसे चुनाव लड़ना है, कौन कौन से प्रत्याशी होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। सभी प्रमुख नेताओं से उनकी राय भी ली गई है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर बिना किसी गठबंधन के पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरी। और जो लोग पाकिस्तान का राग गाते रहे, जिन्होंने हमेशा ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भाई भाई को लड़ाने का प्रयास किया, वो आजकल एकता खंडता के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं अभी फारूक अब्दुल्ला साहब का वीडियो देख रहा था, वो एकता खंडता की बात कर रहे हैं। ये चुनाव जब आता है तो फारूक अब्दुल्ला साहब एकता अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता, विविधता में एकता, ऐसी बयानबाजी देते हैं। आजकल वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब कश्मीर के अंदर से कश्मीरी पंडितों को जबरन निकाला गया, तब आप मुख्यमंत्री थे, आपका फर्ज था कि सदियों से इकट्ठे भाई भाई की तरह रहने वाले लोगों को आपने कैसे लड़ने दिया। आज आप फिल्मी ड्रामा, मैं राइट वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, फिल्मी ड्रामा रच रहे हैं। जनता जानती है ये आंसू भी घड़ियाली हैं, ये शब्द भी वो जो बोल रहे हैं। जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों के राइटर एक राइटअप देते हैं, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला साहब एक फिल्मी पटकथा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ से जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास वो खो चुके। जम्मू कश्मीर की जनता तीन परिवारों से घृणा करती है,
जो लोग जम्मू कश्मीर को वापस 1990 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जो वापस यहाँ के नौजवानों के हाथ से लैपटॉप और मोबाइल छीनकर उनके हाथ में पत्थर देना चाहते हैं, यहाँ की टूरिज्म की जो आज कैपिटल जम्मू कश्मीर बना है उसको वापस टेररिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता ऐसे लोगों से घृणा करती है, घृणा करती है। एक तरफ तो आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों से आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी, उनको देश के कानून ने रिजर्वेशन दिया, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया, कलमुर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं हम जिनको आरक्षण मिला है उनसे छीनेंगे। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, बताइए क्या आप गुज्जर बकरवाल पहाड़ी उनको मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं? वापस उनको जो आरक्षण है विद इन डिस्ट्रिक्ट देना चाहते हैं?